नमस्कार। दो सवाल है मेरा। पहले तो आप पहले भी बोल चुके हैं कि जो कोरोना के लिए टेस्टिंग होता है आरटीपीसीआर टेस्टिंग, उसे एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए। तो क्या उसमें कहीं पर चूक हुई है अभी तक? क्योंकि अभी हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इसी महीने में 1 लाख पर डे टेस्ट करने के लिए अभी सक्षम हुए हैं। तो दूसरा सवाल है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोकल को लिए के लिए वोकल बने, तो स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए क्या ये सही मौका है? क्योंकि सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं अभी गांव लौट रहे हैं, तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है, स्वदेशी है, खादी है, उसके लिए एक बढ़िया मौका है, ये एक सही बात है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, वो लोकल वोकल ये सब बात ठीक है, मगर अभी जेब में पैसे की जरूरत है। तो लोकल वोकल जब ही होगा जब उसके पेट में भोजन होगा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसको सपोर्ट देनी है। कोरोना के बाद, जैसे पहले किसी ने कहा कि कोरोना के बाद हम अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, मगर आज हमें कोरोना से लड़ना है। दूसरा मेरा सवाल था टेस्टिंग को लेकर, क्या एग्रेसिव टेस्टिंग में कहीं पर चूक? विल टेक योर सेकेंड क्वेश्चन इन द वही फिंगर पॉइंटिंग की बात हो जाएगी। टेस्टिंग ठीक नहीं हुई हुई अब देखिए, जो हुआ हुआ, अब हमें आगे देखना है। दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक, इकोनॉमी को उसका स्टार्ट करना है, डिमांड क्रिएट करना है। दूसरा, जो हमारे लेबरर्स हैं, जो मजदूर वापस घर जा रहे हैं, उनको कंफर्ट देनी है, कॉन्फिडेंस देनी है, उनको भरोसा देना है कि वो वापस शहर आ सकते हैं, बिना डरे आ सकते हैं। तो ये दो तीन बड़ी चीजें करनी है। टेस्टिंग की बात आप मुझसे 3-4 महीने बाद पूछने हैं, पूछिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा। थैंक यू सर। मैं 1.25 घंटा से ज़्यादा हो गया है और लगभग 23-24 प्रश्न हो चुके हैं। हमने बाकी के सब सवाल आपने जो आप भेजते जा रहे हैं मैं नोट करता जा रहा हूँ। जो सेकेंड इंटरेक्शन राहुल जी करेंगे, मैं ये प्रयास करूँगा कि वो सारे सवाल जो इस बार नहीं हम ले पाए उन सारे चैनल्स और साथियों से वो भी हम लें। विद परमिशन ऑफ राहुल जी आई विल से नाउ दैट इफ यू कैन कंक्लूड वी हैव अबाउट 200 मोर क्वेश्चन सर। Can I, रणदीप जी, can I just say two things? यस सर। आप लोगों को थोड़ी कंफर्ट मिल जाए। देखिए, हम नेशनल मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और एक्चुअली दो मीडियाज हैं, एक नेशनल मीडिया है, एक रीजनल मीडिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों के साथ बात करें। तो नेशनल मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और रीजनल मीडिया का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और ये पहला पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर आप भरोसा करिए, ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रीजनल मीडिया का नहीं होगा। ये रेगुलरली हम आपके साथ बातचीत करेंगे, और जो लोग आज सवाल नहीं पूछ पाए, वो कल जरूर सवाल पूछ सकते।